और रजौरी वासियों को आज जो होलियां पड़ी हैं उनकी शुभकामनाएं। और आपको मैं बताऊं कि ये होली का त्यौहार प्राचीन समय से जो रजौरी में ऐतिहासिक रहा है, और रजौरी में जो आज भी कहते हैं कि रजौरी की एक अनोखी होली, और ये होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक ऐसा भाईचारा बना रहता है, और ये खुशी के मौके पे हम सब लोग जो है इस त्यौहार को बड़ी खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के जो अरेंजमेंट है, जो हमारी बैरो कमेटी है, वो उसके अपने वॉलंटियर्स हैं, और अपने वॉलंटियर्स को हमने टी शर्ट्स वगैरह प्रोवाइड की हुई है, वो अपने वॉलंटियर्स देखते हैं कि जो आगे पीछे नहीं। और जो पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, SSP रजौरी जी जो सर जो नए आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक यहाँ पे मैनेज किया है। पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल साथ है, और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज जो लगाई हुई है, और साथ में जो यहाँ का एक रास्ता था जो पहले ये वाला खुला रहता था और वो बंद किया जाता था, आज एक प्रीपेयर तरीके से उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे कोई भी प्रॉब्लम हमें आने वाली नहीं है। कम्युनल हार्मनी की अगर बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें भाग लेते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो रजौरी का एक भाईचारा रहा, ये सदियों पुराना एक भाईचारा रहा है, वो आज भी ये लेकर चलते हैं हम कि आज भी इस त्यौहार को जो बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े धूमधाम से आगे आते हैं, और अपना भाईचारा कायम रखने के लिए इस होली के त्यौहार को आज से प्राचीन चलता आ रहा है, जो आज भी इसी तरीके से चल रहा है, और भगवान से हम कामना करते हैं ये त्यौहार ऐसे ही आगे भी चलते रहे। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों के लिए यही संदेश है, ये खुशी का त्यौहार है, ये हमारे 8-9 दिन जो होलियों के हैं, आप सबको एक खुशी के मौके की तरह जो हमें ये त्यौहार मिलते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसको खुशी से मनाएं, और अपने भाईचारे को रजौरी के अंदर कायम रखें। रजौरीवासी जानते हैं कि हर वर्ष की तरह, हर साल की तरह होलियों के दिन एक भैरव देव की झांकी निकाली जाती है। उसी परंपरा को लेते हुए आगे चलते हुए इस बार फिर हमने एक बार भैरव देव जी की झांकी निकाली है, जो आज से कल से हमारी होलियां पड़ी हैं, 3 तारीख से होलियां पड़ी हैं, जो ये 10 तारीख तक चलेंगी। 9 तारीख तक हमारी भैरव देव की झांकी लगातार निकलती रहेगी, कुछ दिन यहाँ निकलेगी, कुछ दिन सिटी में निकलेगी। मैं सभी रजौरी वासियों से, समस्त रजौरी वासियों से अनुरोध करूंगा कि इस भैरव देव की झांकी और होली के पर्व को अच्छी तरीके से रजौरी के अंदर धूमधाम से बनाएं, क्योंकि एक तो हमारा ये जो त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार, आपसी भाईचारे का त्यौहार है, इसमें ज़्यादा 70% लोग मुस्लिम जो है इसमें हमें कॉपरेट करते हैं, जिसमें हिंदू पर 30% लोग जो इसमें रहते हैं, 70% लोग हमें मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करके इस पर्व को अच्छी तरीके से धूमधाम से रजौरी शहर में मनाया जाता है।